मुंबई में एक्ट्रेस से रेप के आरोप में अरबपति सज्जन जिंदल फंस गए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद सज्जन जिंदल ने स्टेटमेंट जारी की और आरोप पर अपनी बात कही है। क्या कुछ कहा गया है सज्जन जिंदल की तरफ से, चले जानते हैं इस वीडियो में। जिंदल ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने इन आरोपों को झूठा और बेसलेस बताया है। जिंदल ने अपनी स्टेटमेंट में क्लियरली ये कहा है कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि जांच जारी है, इसलिए वो आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में मीडिया से परिवार की निजता का सम्मान करने का भी अनुरोध किया है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। जिंदल पर आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि वो कुछ साल पहले दुबई में एक क्रिकेट मैच में 64 वर्षीय जिंदल से मिली थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक महिला एक एक्टर है। 30 साल की मॉडल ने बिजनेसमैन पर जनवरी 2022 में अपनी कंपनी JSW ग्रुप के हेडक्वार्टर के अंदर उसके साथ रेप करने और शादी का वादा करने का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि अपराध मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर के पेंट हाउस में हुआ है। मॉडल ने बताया कि कथित रेप से पहले वो साउथ बॉम्बे के जिंदल मेंशन में मिले और ड्राइव पर भी गए थे। पीड़ित महिला का कहना है कि सज्जन जिंदल कथित रेप के बाद अब उससे बच रहे थे। महिला की शिकायत पर जिंदल के खिलाफ 13 दिसंबर को IPC की धारा 376 रेप, 354 महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाने और 506 आपराधिक धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोस्ती होने के बाद दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ और वो मुंबई में मिले क्योंकि जिंदल ने उस महिला के भाई से संपत्ति खरीदने में रुचि दिखाई थी। इसके बाद उसने बताया कि जिंदल ने उसे बेब और बेबी कहना शुरू कर दिया था और जब वो पहली बार अकेले मिले तो उसने अपनी शादी से संबंधित समस्याओं के बारे में उस महिला को बताया, जिसके बाद महिला को थोड़ा अजीब भी लगा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिंदल उनसे गले मिलने लगे और छेड़खानी जैसी हरकतें भी करने लगे, जिसके बाद वो अनकंफर्टेबल होने लगी। महिला ने यह क्लेम किया है कि जनवरी 2022 को वो कथित तौर पर जिंदल उसे पेंट हाउस में लेकर गए थे और वहां उसके साथ रेप किया था। इतना ही नहीं, जून 2022 में उस महिला का नंबर ब्लॉक करने से पहले बिजनेसमैन ने उसे पुलिस से कॉन्टेक्ट करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। जब पुलिस ने महिला की FIR दर्ज नहीं की थी तो उसके बाद महिला ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वेल, इस मैटर में आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।